डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। करीब डेढ़ घंटे तक चली मुलाकात में कई मुद्दों पर दोनों के बीच चर्चा हुई। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि डेवलपमेंट को लेकर गडकरी जी पॉजिटिव रहते हैं। बिहार के कई पुराने प्रोजेक्ट्स 11-12 साल से रुके हुए थे, उसे स्पीडअप करने के लिए बातचीत हुई है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में एक भी एक्सप्रेसवे नहीं है, इसलिए हमने एक्सप्रेसवे की डिमांड की है, उसके लिए भी वो पॉजिटिव नजर आए। बिहार के जो कई पुराने जो प्रोजेक्ट्स जो 11-12 साल से जो रुके हुए थे, उसको लेकर के उसको स्पीडियाइट कराने के लिए जो है बातचीत हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण मांग ये हुई है कि बिहार में एक भी अभी तक एक्सप्रेसवे नहीं है, तो हम लोगों ने एक एक्सप्रेसवे का जो है वो डिमांड किया है। पिछले बार बिहार आए थे तो बक्सर तक हुआ था, उसको कहा गया था कि भागलपुर तक कर देने, लेकिन एक एक्सप्रेसवे हम लोग चाहते हैं वो हो, तो उसके लिए भी वो पॉजिटिव नज़र आए। कहाँ से कहाँ तक एक्सप्रेसवे है? ये आपका जो रक्सौल तक जो है वो जाएगा। जैसे जैसे डुमरी उपचुनाव की तारीख नज़दीक आती जा रही है, ठीक उसी तरह उपचुनाव के लिए सियासी पारा भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। एक तरफ महागठबंधन अपनी जीत का दावा कर रहा है, वहीं एनडीए को